हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको कुछ न कुछ फायदा हो सके। गर्भावस्था प्रेगनेंसी टोटल 280 दिन यानी 40 हफ्ते यानी 9.25 महीने की होती है। प्रेगनेंसी को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले के 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी बीच के 3 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिर के 3 महीने। अगर प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां सबको होती हैं, जैसे शुरू के 3 महीनों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी होना, उल्टी का मन होना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, कमजोरी होना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना या पूरे शरीर में दर्द होना। आखिर के 3 महीने यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में बार बार पेशाब करना, नींद नहीं आना, कमर में दर्द होना। किसी किसी प्रेगनेंट लेडी को पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी की परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी में दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही खानी चाहिए। डॉक्टर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड की दवाई देगा, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। बाकी अगर कोई परेशानी होगी तो उसकी कम से कम दवाई देगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने पर आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर चालू करना होगा, जो होने वाले बच्चे और प्रेगनेंट लेडी दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक यूज करना होता है। एक इंजेक्शन टिटनस का सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में लगवाना चाहिए, उसके 1 महीने बाद में दूसरा टिटनस का इंजेक्शन लगवाना होगा। पहला अल्ट्रासाउंड यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बच्चे के शरीर के बारे में जानने के लिए करवाना होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में करवाना होता है, होने वाले बच्चे के शरीर के डेवलपमेंट को जानने के लिए। तीसरा अल्ट्रासाउंड यानी थर्ड ट्राइमेस्टर के आखिर में 8 महीने कंप्लीट होने पर करवाना होता है, जो होने वाले बच्चे की पोजिशन और वजन को जानने के लिए होता है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भारी वजन उठाने और बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने से बचना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा सफर करने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में लेडीज को खाने पीने और घूमने फिरने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में सर केबल यानी सीधा नहीं सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सलाद, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें वगैरह ज़्यादा उपयोग करनी चाहिए। हर महीने डॉक्टर को दिखाएं और कुछ भी परेशानी हो तो बीच में डॉक्टर से कंसल्ट करें। योगा और वॉकिंग करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, टेंशन नहीं करें। बाहर का खाना पीना और घर का भी ऑयली, स्पाइसी, फैटी फूड्स वगैरह ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है, मगर कुछ प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए और जितना हो सके उतना डॉक्टर के अंडर में और हॉस्पिटल में डिलीवरी कंडक्ट करनी चाहिए। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।